उस दिन तो इस वक्त की लाइटें नहीं जल रही थी, इतना अच्छा व्यू ही नहीं आया था। दुआ मतलब कुछ नहीं होला, कहाँ पे कुछ नहीं होला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं आई हुई हूँ एंडलुसिया डेंटल सेंटर, क्योंकि मुझे विजडम टूथ आ रहा था। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी कि अकल अब आना शुरू हो गई है, लेकिन अकल आई है और मैं इसको निकलवाने जा रही हूँ। तो वहाँ पे पार्किंग नहीं मिली थी, गाड़ी हमने बहुत दूर पार्क की, अब हम अंदर जा रहे हैं। ये मैंने पहले ऑलरेडी एक अबीर हॉस्पिटल से एक्सरे वगैरह करवा लिया था, तो 5 डेज की मेरी एंटीबायोटिक थी 650 mg वाली, जो कि बहुत हाई डोज था। उससे मेरी ये जो विजडम टूथ वाली जगह है वो सुन हो गई थी और पेन भी कम है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ खाती हूँ, पानी पीती हूँ, वो डायरेक्ट जाके हिट करता है और मैं तड़प जाती हूँ मछली की तरह। तो बस अब अंदर चल, और यहाँ पे डॉक्टर से पूछते हैं, अल्लाह बिल्ली जा रही है। तो ये है इनकी फार्मेसी, बस साईं को मौका चाहिए होता है मेरा रिकॉर्ड लगाने के लिए, कसम से बस मौका मिले और मेरा रिकॉर्ड लगा दें। और यहाँ पे मैं वेट करते हुए अपने नंबर का पर्ची बनवा ली है, अब जब नंबर आएगा तब कॉल करेंगे डॉक्टर। जबकि ये लोग रास्ते में बनाना खा कर आए थे, बाहर आके इन्हें भूख लग गई और अभी चिप्स देख के उधर चिप्स पड़ी हुई थी, शॉप लगे थे तो उसको देख के मन पानी आ गया। और क्या इसमें थैली में क्या? और पानी पर। ओके। जो पेशेंट गया है उस पेशेंट के बाद है मेरा नंबर, आज जल्दी आ गया है। एक्चुअली मैं हमने एंडलुसिया सेंटर इसलिए सेलेक्ट किया, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी और रिकमेंडेशन मांगी थी कि मुझे बताएं बेस्ट डेंटल सर्जन कौन सा है जगह में। तो एंडलुसिया इसलिए मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइन ही डेंटल के लिहाज से किया गया है, यहाँ पर सारे डेंटल के डॉक्टर बैठते हैं। तो हमने कहा बेटर है हम JNP जाएँ तो हम यहाँ आ जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा पेन था उस दिन, हम अभी इसलिए गए थे कि जाके एक बार चेक करें कि मसला क्या है। मैं भी फ़ोटो डालूंगी, आप देखिएगा कि किस तरीके से अकल आ रही है और उस अकल को निकलवाने आई हूँ मैं। मरियम नो रहमान, अल्लाह जाने किसको कॉल कर रहे हैं। वेटिंग तो डॉक्टर को हमने दिखा दिया है और उन्होंने हमें सर्जन रिकमेंड किया है कि जो आपका विजडम टूथ है उसको आपको एक्सट्रैक्ट ही करवाना पड़ेगा, निकलवाना पड़ेगा।
तो अभी सर्जन कॉल करेगा तो मैं अंदर जाऊंगी और माइनर सी सर्जरी करके वो इसको निकाल देंगे। बट सर्जरी से पहले मैं डॉक्टर से एक बात पूछूंगी कि कौन सा वाला ही सर्जरी हो रही है जिसमें दो तरह से विजडम टूथ निकलते हैं, जब मैं यूट्यूब पे देख रही थी कि एक में स्टिच लगते हैं और दूसरा इजीली निकल जाता है। तो अगर स्टिच वाला है तो फिर मैं थोड़ा सा इस बारे में सोचूंगी, क्योंकि स्टिच लगेगा वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं अच्छे से केयर नहीं कर सकती। तो अभी हम लोग आए थे वॉशरूम में अपने चंकी मंकी को लेके, कि पहले इन लोगों को फ्रेश वगैरह करा देती हूँ। तो बस अब बाहर चलते यशा। चलो तो यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी बना हुआ है जहाँ से अभी साई ने बच्चों को जूस चिप्स वगैरह दिलाई हैं और कुछ साई ने पी है टी, क्योंकि साई का भी रात से थोड़ा गला शला ख़राब है। Yeah, swelling here on the opposite to the wisdom. Okay. Another complication is pain, severe pain. We still about week or 10 days. Okay. With medication. अभी हम आए हैं फार्मेसी एंटीबायोटिक्स लेने के लिए। तो अभी बस मैं गाड़ी में आके बैठ चुकी हूँ, बच्चे भी हैं पीछे, साई गए हैं, हम फार्मेसी गए थे बट अप्रूवल के लिए हमें थोड़ा टाइम लगना था तो हम गाड़ी में बैठ गए। दूसरी चीज़, हम सीधी ऊपर डॉक्टर के पास ही भूल कर आ गए, तो वो साई ऊपर अब डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे और वो सीडी भी ले लेंगे ताकि सीडी हमारे पास हो, वरना बार बार दोबारा एक्सरे कराने में बहुत टाइम लग जाता है। अब डॉक्टर ने ये बात बोली है कि एक्सट्रैक्ट कराने से पहले 3 दिन, मतलब जब भी आपने विजडम टूथ निकलवाना है तो उससे पहले 3 दिन मज़ीद एक एंटीबायोटिक खानी है, जो मैंने मेगापॉक्स खाई है 625 mg की, वो तो पेन रिलीफ की थी, लेकिन अभी जो डॉक्टर ने दी है जिसके अप्रूवल के लिए हम बैठे हुए हैं वो है बैक्टीरियल को किल करने के लिए, अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है। तो हमने डॉक्टर से पूछा, अभी मैंने इतनी हाई एंटीबायोटिक खाई है तो अभी ये खाना ठीक है? तो डॉक्टर ने कहा ये उस मकसद के लिए नहीं है, ये दूसरे मकसद के लिए, तो आप ईज़िली खा सकते हैं। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, डॉक्टर ने कहा है कि एक टेस्ट है, वो आपको टेस्ट करवाना है, उसमें जितना हम इजी समझते हैं ना विजडम टूथ को निकलवाना, उतना इजी नहीं होता। एक ने हम अभी जो डॉक्टर ने मुझे टेस्ट लिख के दिया है वो इंश्योरेंस में भी कवर्ड नहीं है, वो टेस्ट पहले करवाना होगा इसको निकलवाने से पहले, जिसमें पता चलेगा कि जो नर्व, जो हमारे मुँह में जो इधर नर्व है वो तो डैमेज नहीं हो सकती, नर्व है और कहाँ है, क्या है एक्सवाइजेड, तो वो कलर्ड स्कैन होता है जो यहाँ का होगा। अभी तो पूरे जबड़े का हुआ है एक्सरे, वो खाली एक पर्टिकुलर इस जगह का होगा, जिससे पता चलेगा कि वो निकलवाने से नर्व को तो कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुँच रहा, तो वो टेस्ट करवाना है। फिर डॉक्टर ने बताया कि इसके बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कि लाइक 15-20 days नम रहेगा वो पूरा एरिया, और यू नो स्वेलिंग्स वगैरह एक्स वाई जेड, बहुत लंबा प्रोसीजर है। एक लिहाज से देखा जाए तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि पाकिस्तान में लिटरली इतने केसेस के दांत निकलवाने गए हैं और दांत निकलवाया है और वो नर्व हर्ट हुई है और वो आंटी कोमा में चली गई है। दूसरी चीज़ साइन बता रहे हैं, उनके भी कई ऐसे जानने वाले हैं जिनकी नर्व हर्ट होती है और उनको दिमाग के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, जबकि मैं जब पाकिस्तान वेट लड्डू पड्डू कॉल पे बात कर रही हूँ, मम्मा वालों को उतार रही हूँ, तो वो कहती हैं यहाँ तो इतने झमेले नहीं होते, यहाँ तो बस डॉक्टर के जाओ और डॉक्टर निकाल देता है, यहाँ पर टेस्ट होंगे और इनके कितने झमेले हैं। तो मैं, डॉक्टर ने जितना डिटेल से हमें समझाया तो मुझे सुन के बहुत अच्छी चीज़ लगी कि यार डॉक्टर कितनी डिटेल में बता रहे हैं।
और वो जो जब से मैंने नर्व का सुना है ना, तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं ये दवा लेती हूँ और इससे मुझे दर्द में सुकून आ जाता है, तो मैं ये इरादा पोस्टपोन ही कर देती हूँ कि मैं नहीं निकलवाती, क्योंकि मैं इतना ज्यादा डर गई हूँ। आप सब में से कौन BTS आर्मी है लाइक मी? मैं BTS की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं BTS आर्मी हूँ। आप लोग हैं? अजान हो रही है, बस अजान हो रही है। दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये मसला हल हो जाए, मुझे सर्जरी की नौबत ना आए। तो आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।